हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जो आज की हमारी जो पोएम है, दिस पोएम इज़ क्लास ऑफ 11th। ओके, ये जो पोएम है वो 11th क्लास के स्टूडेंट, और पोएम का नाम क्या है, ए फोटोग्राफ। ओके, और इसके जो राइटर है, इसकी जो पोइटस है, पोइटस मतलब कि कवित्री है इसमें, जो है सिरिल टलसन। ओके, सिरिल टलसन है। तो कौन सी बुक में से है, बुक हॉर्नबिल। ओके, बुक कौन सी है, हॉर्नबिल, और पोइटस का क्या नाम है, सिरिल टलसन, और पोएम कौन सी है, ए फोटोग्राफ। ओके स्टूडेंट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल अबाउट सिलेट्स हर मदर। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट कि जो सिरले है, ओके, जो पोइटस है, उसकी माँ के बारे में बात करने जा रहे हैं। और जब आप इस पोएम को सुनोगे स्टूडेंट, तो ये जो पोएम है वह बहुत ही इमोशनल पोएम है, बहुत ही भावुक पोएम है ये। ओके, बहुत ही इमोशनल करने वाली पोएम है ये। और इसमें जो पोएम के बारे में जो बताया गया है कि किस प्रकार की दुख भरी पोएम है, भावुक पोएम है ये, क्योंकि इसमें जो सिरलेस मदर है वो क्या है कि अपनी कजन सिस्टर के साथ समुद्र के किनारे बीच पर जाती है, और सिरलेस मदर जो इस टाइम पर सी वॉज डेड, वह मर गई। ओके, और हर मदर वॉज एल्डर देन हर सिस्टर, हर कजन सिस्टर्स। ओके, जो सिरले की जो माँ है, वो जो कजन सिस्टर्स हैं, ओके, जो दो बहनें और हैं, उनमें सबसे बड़ी है। और किस प्रकार से जब वो बीच पर जाती है, समुंदर पर जाती है, तो शी वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम, उस समय पर वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी, और वह बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक खुश हुई। फिर उसके बाद क्या होता है कि समुद्र के किनारे पर जब जाती है, तो किस प्रकार से सबसे ज़्यादा अत्यधिक स्माइल उनके फेस पर रहती है, और वह अत्यधिक खुश रहती है अपनी दो बहनों के साथ, जो कजन सिस्टर थी, ओके, जो चचेरी बहनें थी उसकी, और वह सबसे बड़ी थी। जो सिरलेस मदर है वो सबसे बड़ी थी, और जो उसकी छोटी बहनें है, सिस्टर है, जो कजन सिस्टर है, वो उसका हाथ पकड़े हुए बीच पर घूम रही थी। और किस प्रकार से कि वह शिवाज 12 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम, उस समय पर वह 12 वर्ष की थी। कौन, सिरलेस मदर, ओके, जो सिरले की माँ है वो 12 वर्ष की थी उस टाइम पर, और वह अत्यधिक खुश थी अपनी बहनों के साथ। और जब बीच पर गई तो किस प्रकार से अचानक से उनके पैरों को पानी ने छुआ, और फिर एक अंकल ने उनकी फ़ोटो ली, ओके, कैमरे में उनकी एक फ़ोटो ली, और उस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक, तीनों बहनें ही हंस रही थी, स्माइल कर रही थी, और उनकी जो स्माइल थी वो बिल्कुल इनोसेंट और बिल्कुल बहुत ही अच्छी स्माइल थी उस टाइम पर उनकी। और बालों में से उनके जो हवा चल रही थी उस टाइम पर, और हवा के दौरान उनके जो बाल थे वो आगे की तरफ आ गए थे, और उन बालों में से भी उनकी जो स्माइल है वो झलक रही थी, ओके। और फिर जब उसकी माँ, सिरले की माँ जब अधेड़ उम्र में हुई, अराउंड 30 या 40 ईयर की जब हुई उसकी माँ, तो उस टाइम पर वह शी वॉज मैरिड, और वह शादीशुदा थी, शादीशुदा हो गई थी, ओके, और उसकी एक लड़की भी थी जिसका नाम क्या था, सिरले टलसन। ओके, सिरले टलसन इज पोइटेस ऑफ दिस पोएम। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब उसकी माँ अपनी फ़ोटो देखती है अपनी बहनों के साथ, और अपनी बेटी को कहती है, देखो बेटी और डोली, बेटी और डोली
क्या हो, दो लड़कियां होती है जो कि कजन सिस्टर्स होती हैं, किसकी, सिरलेस मदर की, ओके, जो सिरले कवित्री है उसकी माँ की दो बहनें होती है, चचेरी दो बहनें होती है, और उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है, एक का नाम होता है बेटी और एक का नाम होता है डोली, और कहती है अपनी बेटी को स्माइल करते हुए, उस टाइम पर स्माइल करते हुए कहती है कि देखो किस प्रकार से हमने फनी ड्रेस पहन रखी है बीच पर जाने के लिए। जब वो किनारे पर जाती है, समुद्र के किनारे पर जाती है, तो उस टाइम पर वो ऐसी फनी ड्रेस पहनकर जाती है समुद्र के किनारे पर, और वह स्माइल करती है उस फोटो को देखकर, और इंटरनल स्माइल, अंदर से स्माइल आती है सडनली, और जब उस फोटो को देखती है और अपनी बेटी को कहती है देखो बेटा बेटी कि किस प्रकार से हमने फनी ड्रेस पहन रखी है उस टाइम पर। फिर जो उसकी बेटी है, और उसकी बेटी और माँ और बेटी के बीच में बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध होता है, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती है और ज़्यादा लगाव होता है अपनी माँ के साथ, बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है पोइटेस का, कवित्री का, जो सिरले है। फिर जब उसकी माँ मर जाती है और एक्सपायर हो जाती है, डेड हो जाती है, तो उस टाइम पर जो सिरली है वो बहुत ही अत्यधिक अकेलापन महसूस करती है, और उस टाइम पर उसके साथ उसकी माँ नहीं होती है, और अब उसको भी पता है कि उसकी माँ उसके साथ नहीं है, खुशियाँ नहीं बांट सकती। अब जो उसके फेस पर, सिरली के फेस पर जो स्माइल पहले थी वो अब नहीं है, और जैसा कि उसकी माँ जब 12 ईयर्स की थी, 12 वर्ष की थी जब उसकी माँ, तो उसके चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल थी, जब अब वह नहीं थी, और उसकी माँ को पता था कि आगे उसकी स्माइल ये नहीं रहेगी। जब वह 12 वर्ष की थी, उसके बाद की जो स्माइल थी वो काफ़ी चेंजेज होते गए, ओके, जो स्माइल थी वो बिल्कुल भी नहीं रही थी जो 12 ईयर्स की जब वह थी, 12 वर्ष की थी जब, उस टाइम पर जो उसकी स्माइल थी अब वह स्माइल बिल्कुल भी नहीं रही थी, और उनमें भी काफ़ी चेंज हो गए थे, काफ़ी बदलाव आ गए थे, ओके, जो उसकी सिस्टर थी, कजन सिस्टर थी, वो बड़ी हो गई थी, और जो सिरलेस मदर है वो भी बड़ी हो गई थी, और जैसा कि उसकी एक लड़की भी थी, सिरलेस मदर की सिरले एक लड़की थी, ओके, और उस वह शादीशुदा हो गई थी, बस उसकी शादी हो गई थी, और उनमें काफ़ी बदलाव आ गया था, जैसा कि पहले तीनों बहनें खुश थी, अब वो खुश नहीं है, अब अलग अलग हो गई, ठीक है, अब उनकी शादी होने के बाद। फिर और उसने देखा जब फ़ोटो देखी सिरलेस मदर ने, सिरले की जो माँ है, तब उसने फ़ोटो देखी, तो उसने देखा कि हमें कितना बदलाव आ गया है, क्योंकि उस टाइम पर जब उन्होंने फ़ोटो देखी तो वो 12 ईयर्स की थी, 12 वर्ष की थी, और जो उसकी जो कज़न सिस्टर थी वो भी छोटी थी, और अब जब वो 30-40 ईयर्स की हो गई, अधेड़ी उम्र की हो गई, तो उसने देखा कि हम में कितना बदलाव आ गया है, मैं शादीशुदा हो गई हूँ, और जो मेरी सिस्टर्स है, कज़न सिस्टर, वो भी शादीशुदा हो गई है, और मेरी एक लड़की भी है। फिर उस वो देखते कि कितना बदलाव उसकी लाइफ में आ गया, उसके जीवन में आ गया, और जो समुंदर था वो एज इट इज़ था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया था, जो समुंदर था, जिस समुंदर पे वो गए थे, बीच पर गए थे, उसमें कोई बदलाव नहीं आया था, वो ऐसा का ऐसा ही दिखाई दे रहा था। लेकिन बदलाव किन में आया, बदलाव आया उनमें जो तीन लड़कियां थीं, जो कि सिरलेस मदर और उसकी कज़न सिस्टर थी, उनमें काफ़ी बदलाव आ गया था। फिर जब उसकी माँ एक्सपायर हुई, डेड हुई, तो उस टाइम पर वो अकेली पड़ गई, और जो उसकी स्माइल थी, जो उसकी वह अपनी माँ को देखकर जब स्माइल करती सिरले, ओके, जब सिरले अपनी माँ को देखकर स्माइल करती थी, तो अब वह स्माइल उसकी गायब हो गई थी, डिसअपीयर हो गई थी, क्योंकि अब उसकी माँ दोबारा उसके पास नहीं आ सकती थी। वह उस बात का उसको सबसे बड़ा दुख था अपने जीवन में, क्योंकि उसकी माँ चली गई थी, उसकी माँ की मौत हो गई थी, अब उसकी माँ उसके साथ नहीं थी, और उसकी माँ को पता था कि आगे जो उसकी स्माइल है, उस टाइम पर जब वो फोटो में इतनी अच्छी स्वीट स्माइल दिखाई दे रही है, उसको पता था कि आगे उसकी स्माइल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोनों ने आपस में, जब उसकी माँ एक्सपायर होगी, वह अकेली रहने लगी, तो उन्होंने आपस में
जीवन के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ एक समझौता कर लिया था, और जो सिरले थी वह अकेला रहना सीख गई थी अपनी माँ के बिना। तो ये इस पोएम के बारे में है स्टूडेंट, और ये बहुत इमोशनल पोएम है। किस प्रकार से जो पोएट्स है, जो कवित्री है, उसकी माँ एक्सपायर हो जाती है, मर जाती है, और वह अकेली रहती है अपनी माँ के बिना, और कैसे दुख अपना प्रतीत करती है, दुख एक्सप्रेस करती है इस पोएम के थ्रू, और अपनी माँ की जो खुशियाँ हैं वो भी एक्सप्रेस करती है। ओके, किस प्रकार से उसकी माँ अत्यधिक खुश होती थी। अब ये इस पोएम के बारे में है स्टूडेंट, और पोएम का क्या, बुक का क्या नाम है? हॉर्नबिल। ओके, पोएम कौन सी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोएम? दिस पोएम क्या नाम है? ए फोटोग्राफ। ओके, और इसकी जो पोएटेस है कवित्री है स्टूडेंट ये। ओके, और कवित्री अपनी माँ के बारे में बताती है। ओके, तो क्या नाम है कवित्री का, पोएटेस का क्या नाम है? सिरली टेलसन। और उसके बाद 11th क्लास की पोएम है ये। तो अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग। और द कार्डबोर्ड शो मी, कार्डबोर्ड ने मुझे दिखाया कि कैसी थी जो फोटो फ्रेम था, फोटो फ्रेम में जो फोटो लगी हुई थी उसकी माँ की, वो कैसी थी, कैसे स्माइल कर रही थी उसकी माँ फोटो में, और किस प्रकार से उसकी माँ की जो स्माइल थी वो प्रकट हो रही थी, किस प्रकार से दिखाई दे रही थी, अत्यधिक ज़्यादा प्रसन्न हो रही थी उसकी माँ। किसकी माँ? सिरलेज मदर। ओके, जो कवित्री है उसकी माँ। वेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग, और जब दोनों बहनें, ओके, कजन सिस्टर के साथ, अपनी कजन सिस्टर्स के साथ, दोनों बहनों के साथ जब सिरले की माँ अपनी दो चचेरी बहनों के साथ जब समुद्र के किनारे बीच पर जाती है, तो उस टाइम पर वह अत्यधिक खुश होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कजन यहाँ पर है, कजन्स यहाँ पर है चचेरी। ओके, जैसे चचेरा भाई होता है, ओके, चचेरी सिस्टर होती है, बहन होती है, तो कजन्स। कपबोर्ड मीन्स होता है यहाँ पर, सॉरी, कार्डबोर्ड मीन्स होता है यहाँ पर जो फोटोग्राफ, फोटो फ्रेम है उसके बारे में कहते हैं। ओके, जो फोटो फ्रेम होता है जिसमें फोटो है उसको बोलते हैं कार्डबोर्ड। ओके, शो मी, दिखाया मुझे, मैंने देखा। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। और कवित्री कहती है, सिरले ने क्या कहा कि ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, कि प्रत्येक ने, जो प्रत्येक उसकी दो बहनें थी, कजिन सिस्टर थी, उन दोनों ने ही उसकी माँ का हाथ पकड़ रखा था उस टाइम पर। ओके, जब वह समुंदर के किनारे जा रही थी, तो उस टाइम पर जो उसकी छोटी सिस्टर थी, कजिन सिस्टर थी, उन दोनों ने ही उसका हाथ पकड़ रखा था। किसका हाथ पकड़ रखा था? सिरलेज मदर का। ओके, जो कवित्री है, ये कवित्री है, इसकी माँ का हाथ उन दोनों कजिन सिस्टर ने पकड़ रखा था। फिर नेक्स्ट, एंड सी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स और सो शी वाज ओल्डर देन हर कजन सिस्टर्स। और वह जो सिरले की जो माँ थी वो क्या थी कि दोनों बहनों से बड़ी थी। ओके, जो कजन सिस्टर थी वो छोटी थी, और जो सिरले की माँ थी वो क्या थी? बड़ी थी, दोनों बहनों से बड़ी थी उसकी माँ। ओके, ऑल थ्री स्टूड टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। और एंड सी द बिग गर्ल, सबसे बड़ी थी। ओके, और लगभग कितने वर्ष की थी वो? 12 वर्ष की थी। ओके, उस टाइम पर वह कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की थी, अपनी बहनों, अपनी जो कजन सिस्टर थी, अपनी बहनों, चचेरी बहनों के साथ थी जब उस टाइम पर वह सिरले की माँ कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की थी। ऑल थ्री स्टूड टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। और यहाँ पर कवित्री क्या कहती है, पोएटस क्या कहती है कि ऑल थ्री स्टूड, जब तीनों खड़ी थी, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और उनके बालों में से स्माइल
हंसी नजर आ रही थी, किस प्रकार से वो तीनों स्माइल कर रही थी, उनके चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल नजर आ रही थी। कब? एट द अंकल विद कैमरा, जब एक अंकल उन तीनों की फोटो ले रहा था बीच पर किनारे पर, तो उस टाइम पर वो तीनों ही बहनें एक स्वीट सी स्माइल कर रही थी और हवा चल रही थी वहाँ पर। हवा चलने के कारण जो उनके बाल थे वो आगे की तरफ आ गए थे, फेस पर आ गए थे, और फेस पर आने के वजह से आने के कारण भी जो उसके बालों में से उनकी जो स्माइल है वो दिखाई दे रही थी। हवा चल रही थी और हवा के कारण उसके जो बाल थे उनके फेस पर आ गए थे, चेहरे पर आ गए थे, और उनके बालों में से भी जो उनकी स्माइल थी स्वीट सी वो दिखाई दे रही थी। कब? जब एक अंकल उन तीनों की फोटो ले रहा था। माई मदर्स डेट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, सॉरी, ए स्वीट फेस, एक स्वीट सा चेहरा, माई मदर्स डेट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, कि मेरे पैदा होने से पहले ही, मेरे पैदा होने से पहले ही आई यूज हुआ है यहाँ पर, आई इज यूज फॉर सिरले, ओके, किसके लिए यूज हुआ है आई? सिरले के लिए यूज हुआ है, ये जो कवित्री है इसके लिए ये यूज हुआ, आई इज यूज फॉर, आई इज यूज फॉर सिरले, ओके, आई इज यूज फॉर सिरले, जो आई यूज हुआ है वो सिरले के लिए यूज हुआ है, क्योंकि सिरले क्या कहती है, उसने क्या कहा कि ए स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा, माई मदर्स, मेरी माँ का, डेट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, कि मेरे पैदा होने से पहले ही, ठीक है, मेरे पैदा होने से पहले ही जो मेरी माँ का जो चेहरा था वो एक स्वीट सा चेहरा था, एक प्यारा सा चेहरा था। फिर एट द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फिट, और एंड द सी, और समुंदर विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, कि समुंदर है उसमें कोई बदलाव नहीं आया था, वो वैसा का वैसा ही था, ओके, जो समुंदर था उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया था। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, और यहाँ पर टेरिबली मीन्स बहुत और ट्रांसिएंट मीन्स क्षणिक, और फिर क्या होता है, देयर यूज हुआ है उन तीनों सिस्टर के लिए, ओके, दो जो तीनों बहनें थी उनके लिए यूज हुआ है, कि उनके जो पैर थे समुंदर में ऐसे अचानक से जो उनके पैर थे वो क्षणिक ही, बहुत क्षणिक वास हो गए थे, धुप गए थे, ओके, जब जाते हैं समुंदर के बीच पर किनारे पर जाते हैं तो अचानक से लहरें आती है, और क्या होती है कि वो जो लहरें थी क्षणिक, बहुत क्षणिक तेजी से, ठीक है, उनके पैरों पर आई और उनके पैरों को धो गई, ओके, वास कर गई थी। फिर सम 20-30 ईयर्स लेटर, कि अब ये कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि उनमें जो बदलाव आया, वो जब कज़न सिस्टर थी, ओके, और जो उसकी कज़न सिस्टर थी वो भी बड़ी हो गई थी, अल्डर हो गई थी, और जो सिरलेस मदर है वो भी बड़ी हो गई थी और शादी भी हो गई थी उसकी, ठीक है, उसकी एक लड़की भी थी जिसका नाम क्या था, सिरले टेलसन, ओके। फिर उसके बाद उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया, जब वह इतनी 12 वर्ष की थी तब इतनी हंसमुख थी, और उसके बाद जो हंसी थी उसकी जो स्माइल थी वो कम होती चली गई थी, और उसके जीवन में अन्य भी काफ़ी चेंजेस आए थे, और उस टाइम पर जब उनके जीवन में चेंजेस आए, उनकी जो कज़न सिस्टर थी उनकी लाइफ में जब चेंजेस आए, तो उस टाइम पर समुंदर में और अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था, वो वैसा का वैसा ही था, चेंजलेस था, उसमें कोई भी कमी नहीं आई थी समुंदर में। फिर सम 20-30 ईयर्स लेटर, और कुछ 20 या 30 वर्ष के बाद, लेटर मीन्स होता है यहाँ पर बाद में, अपीयर्स मीन्स होता है प्रकट होना, दिखाई देना, ओके, चेंज मीन्स और चेंजलेस, कोई भी बदलाव
नहीं आया था। थ्रू मीन्स बालों में से। फिर सम 20-30 ईयर्स लेटर और कुछ 20 या 30 वर्ष के बाद क्या होता है कि काफ़ी उम्र हो जाती है उस टाइम पर, और उसकी एक लड़की भी हो गई थी और उसकी शादी भी हो गई थी इस रिलेज की माँ की, और फिर वह अधेड़ उम्र की हो गई थी। ओके, सी वुड लाफ हैड द स्नैपशॉट। और उस टाइम पर जब अचानक से एक स्नैपशॉट लिया गया था, जब उस अंकल ने स्नैपशॉट लिया, फोटो ली, खींची, तो उस टाइम पर कैसे हंस रही थी, जो स्माइल कर रही थी सिरले की माँ, सिरलेज मदर और उसकी कज़न सिस्टर्स। ओके, वो किस प्रकार से स्माइल कर रही थी, और उसने कहा कि शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, कि स्नैपशॉट के समय अचानक से जब फोटो ली, उस अंकल ने जब फोटो ली, तो किस प्रकार से वो अचानक हंस पड़ी थी तीनों ही लड़कियां, और साथ में शी वुड लाफ, और वह भी हंसी थी। ठीक है, मतलब कि शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, कि स्नैपशॉट लेते समय उसकी माँ के चेहरे पर कितनी हंसी थी, स्वीट सी स्माइल थी। ओके, सी, और उसने कहा, अपनी बेटी से कहा, अपनी बेटी को बुलाते हुए कहा, जब उसने फ़ोटो देखी, सिरलेज मदर ने, सिरले की माँ ने जब फोटो देखी अपनी, जब वह 20 या 30 ईयर की हो गई थी और उसकी एक लड़की भी हो गई थी सिरले, तो उस टाइम पर उसने अपनी बेटी से कहा कि सी, देखो बेटी, बेटी यहाँ पर ये जो बेटी यूज़ हुआ है, ये कज़न सिस्टर यूज़ हुआ है। ओके, कज़न सिस्टर, कज़न के लिए यूज़ हुआ है। ओके, ये दोनों कज़न सिस्टर है। बेटी सी, देखो, उसने अपनी बेटी से कहा, उस बेटी का नाम क्या था, सिरले की माँ, जो उसने अपनी बेटी से कहा वो कौन थी, सिरले। ओके, वो कौन थी, सिरले थी, और सिरले इस पोएम में क्या है, पोइटस, कवित्री है। ओके, ध्यान रखना स्टूडेंट ये बात कि उसने अपनी बेटी से ये बात कही और क्या कहा, सी बेटी एंड डोली, देखो कि कैसे उसके चेहरे पर हंसी आई थी जब उसने उस फोटो को देखा। ओके, जब उसकी माँ ने उस फोटो को देखा तो उसकी माँ के चेहरे पर एक स्माइल सी आई थी, स्वीट सी स्माइल आई थी, और उस टाइम पर उसने अपनी बेटी से कहा कि देखो बेटी, देखो बेटी एंड डोली, ये दो कज़न सिस्टर हैं, कि देखो कि किस प्रकार से, एंड सी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, और उसने अपनी बेटी से कहा कि देखो बेटी और डोली, किस प्रकार से इन्होंने एक फनी ड्रेस पहन रखी है जो बीच के लिए जाने के लिए, मतलब कि समुद्र के किनारे बीच पर जब वे गई थी, और उन्होंने कैसी फनी ड्रेस, एक हंसी वाली पोशाक पहन रखी थी, तो उसने अपनी बेटी से कही, और उस बेटी का क्या नाम था, सिरले, जो कि इस पोएम की कवित्री है, पोइटस है। फिर नेक्स्ट, वाज हर पास्ट, कि अब क्या था, अब क्या था, कि वाज हर पास्ट, ये तो यहां तक कंप्लीट हुआ, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, जो उसके समुद्र की जो छुट्टियां थी, जब वह छुट्टियां बिताने गई थी अपनी कजिन सिस्टर के साथ, तो समुद्र की जब उसकी छुट्टियां थी, वो क्या थी, एक प्रकार से पास्ट थी, भूतकाल हो गई थी। ओके, क्योंकि अब वो 20 या 30 ईयर की हो गई थी, और उस टाइम वह कितने वर्ष की थी, कितने ईयर की थी, वह थी 12 ईयर की। ओके, 12 वर्ष की थी उस टाइम पर, और अब जब उसने ये फ़ोटो दोबारा देखी तो कितने ईयर की थी, 20 या 30 ईयर की वह थी। फिर उसका जो ये जब उसने फ़ोटो देखी, और द सी हॉलीडे वाज हर पास, और उसकी माँ का ये क्या था, पास्ट था, समुद्र की जो छुट्टियाँ थी उसकी माँ की पास्ट थी। ओके, भूतकाल की छुट्टियाँ हो गई थी। फिर माइन इज हर लाफ्टर, और उसने कहा कि मेरी जो हंसी थी और उसकी जो हंसी थी, वो भी एक प्रकार से क्या थी, पास्ट ही थी, क्योंकि दोबारा उसकी हंसी वैसी नहीं आई थी। उसकी माँ 12 ईयर की जब हंसी थी, और उस टाइम पर उसकी माँ जो हंसी थी, उसके बाद ऐसी हंसी नहीं आई थी। माइन इज़ हर
लाफ्टर, और मेरी भी हंसी नहीं थी ऐसी, ठीक है, क्योंकि अब उसकी माँ जो कवित्री की माँ है वो शी वॉज डेड, वह मर गई थी, ओके। तो अब उसकी जो कवित्री है सिरले है उसकी भी हंसी गायब हो गई थी, मतलब कि वह भी अकेलापन महसूस करने लगी थी और उसकी जो स्माइल थी वो अब नहीं रही थी। बोथ वर्ली विद द लेबर इज ऑफ लॉस, ओके स्टूडेंट, ये बोथ वरी विद द लेबर इज ऑफ लॉस, लॉस मीन्स कि एक प्रकार से उन्होंने क्या कर लिया था अपने जीवन के साथ, दोनों ने ही, ओके, दोनों ने ही अपने जीवन के साथ जो लॉस के साथ, ठीक है, लॉस का जो एक प्रकार से जो लॉस हुआ था अपने उनके जो जीवन में, जो स्माइल थी, जो आराम था, वह चला गया था, ओके, और दोनों ने ही, दोनों ने मतलब कि उसकी माँ ने और उसके बेटे ने अब अपने 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 साथ एक समझौता कर लिया था, दोनों ने ही अपने अपने साथ समझौता कर लिया था और अब वो इस समझौते के साथ रहने लगी थी कि अब उसकी माँ उसके साथ नहीं है, ओके, और जो उसकी माँ थी उसने भी अपने साथ एक समझौता कर लिया था क्योंकि अब उसकी स्माइल दोबारा ऐसी नहीं आएगी जो पहले थी जब 12 वर्ष की थी, उस टाइम पर जो स्माइल आई थी, हंसी आई थी, अब वह दोबारा ऐसी हंसी नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से ये लाइनें कंप्लीट होती है स्टूडेंट, और आई थिंक दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पोएम, और ये लाइनें भी आप लोगों को समझ में आई होगी स्टूडेंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ओके, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट लगता है, संदेह लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके। तो बॉर्न मीन्स होता है जब वह उसका जन्म हुआ, जन्म, ओके, बॉर्न मीन्स जन्म होना, और ये पोएम इसकी ये लाइनें कंप्लीट होती है, और एक बार दोबारा से रीकैप दे देते हैं स्टूडेंट, दोबारा से ये पोएम मैं समझा देता हूँ, ओके, और उसके बाद इस पोएम को कंप्लीट करते हैं, इसका एक स्टेंजा हो रहा है, एक पैराग्राफ हो रहा है, उसके बाद इस पोएम को, ये पोएम कंप्लीट हो जाएगी, ओके, ये पोएम कंप्लीट हो जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी, ओके। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, और जब उसने फोटो देखी अपनी, उसने फोटो देखी और वह कैसी थी उस टाइम पर, वह कैसी थी और उसकी स्माइल कैसी थी, ओके, व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, और जब दोनों बहनें जो कजन सिस्टर थी अपनी बड़ी बहन के साथ, जो सिरलीज मदर थी उनके साथ वो पैडलिंग पर गई थी, एक समुद्र के किनारे बीच पर जब गई थी, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और प्रत्येक लड़की ने, दोनों बहनों ने उसकी माँ का हाथ पकड़ रखा था, एंड सी द बिग गर्ल, और उनमें दोनों कजन सिस्टर में वह बड़ी थी, सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 वर्ष की थी, सम 12 ईयर्स और सो, लगभग वह कितने वर्ष की थी उस टाइम पर, 12 वर्ष की थी, एंड थ्री स्टू टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और तीनों लड़कियाँ खड़ी थी और जो बाल थे, हवा चल रही थी, विंड फ्लो हो रही थी, हवा चल रही थी उस टाइम पर, और तीनों के जो लड़कियां थी खड़ी थी उस टाइम पर, और बाल कैसे फेस पर आ गए थे, और बाल आने के कारण फेस में, मतलब कि बालों में से ही जो स्माइल का जो फेस था, हंसी का जो चेहरा था वो दिखाई दे रहा था। एट द अंकल विद द कैमरा, और एक अंकल जो उन तीनों की फोटो ले रहा था, और तीनों बहनें खड़ी थी और स्माइल कर रही थी, और जो उनके स्माइल थी वो बालों में से झलक रही थी जब हवा चलते समय जो उनके बाल थे वो चेहरे पर आ गए थे। माई मदर अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी माँ का इतना स्वीट चेहरा था, इतना प्यारा चेहरा था, ओके,
तो जब उसने फोटो देखी तो उस फोटो में उसकी माँ का जो चेहरा था वो बहुत ही स्वीट था और स्वीट स्माइल कर रही थी उस। हाँ तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कि सम 20 फिर उसके बाद वास देयर टेरिबली ट्रांसिट फीट कि किस प्रकार से उसके माँ के जो उनके जो पैर थे वो अचानक से क्षीण बहुत ही क्षीण उनके जो पाँव थे वो वास हो गए थे धूप गए थे या धो दिए थे समुंदर ने। सम 20 या 30 ईयर्स लेटर और उसके बाद कुछ 20 या 30 वर्ष के बाद सी वुड लाफ एट द सन स्नैपशॉट और उस स्नैपशॉट पर उसकी माँ हंसती है और हंसते हुए कहती है कि अपनी बेटी से कहती है क्योंकि वो 20 या 30 ईयर की होगी उसकी एक बेटी भी थी ओके और अपनी बेटी को कहती है कि सी देखो कि बेटी एंड डोली बोथ आर कजन सिस्टर्स ऑफ हर मदर। उसके बाद नेक्स्ट सी वुड से और वह कहती है कि एंड लुक हाउ दे सी इज़ यूज फॉर हर मदर ओके सिरलेस मदर कि सी जो यूज़ हुआ है उसकी माँ के लिए यूज़ हुआ है किसकी माँ के लिए सिरले की जो माँ है उसके लिए ये सी यूज़ हुआ है सी वुड से और वह कहती है कैन लुक हाउ दे अपनी बेटी को कहती है लाइन किसको सिरले को कहती है सी वुड से वह कहती है कि एंड लुक हाउ दे ड्रेस एस फॉर द बीच और बीच पर जाने के लिए उन्होंने कैसी फनी ड्रेस पहनी थी और वह कैसी दिखाई दे रही थी। द सी होलीडे वॉज हर पास्ट माइनस हर लाफ्टर कि जो सी होलीडे था समुद्र की जो छुट्टियाँ थी वो एक प्रकार से उसके लिए क्या हो गई थी पास्ट हो गई थी भूतकाल बन गई थी माइनस हर लाफ्टर और जो उसकी हंसी थी जो उनकी हंसी थी और मेरी भी मेरी और उनकी हंसी थी वह अपनी माँ की बता रही है कि मेरी और मेरी माँ की जो स्माइल थी वो भी एक प्रकार से पास्ट बन गई थी भूतकाल की बन गई थी। बोथ वरी विद द लेबर इज ऑफ लॉस और दोनों का ही जो आराम है या सुख है दोनों का ही जो सुख था वो एक प्रकार से समाप्त हो गया था क्योंकि दोनों का सुख कैसे समाप्त हो गया था क्योंकि जो सिरले मदर है वो डेड हो गई थी वो मर गई थी ओके और अपनी जब उसकी माँ एक्सपायर हुई जब उसकी माँ मरी डेड हुई तो जो सिरले है उसको सबसे बड़ा दुख हुआ था ओके क्योंकि उसकी माँ और सिरले दोनों ही आपस में बहुत खुश रहती थी ओके और उन दोनों की स्माइल बहुत ही एक दूसरे पे डिपेंड थी और मतलब कि इट मींस कि जो लड़की थी सिरले थी वह अपनी माँ को देखकर बहुत ही अत्यधिक खुश होती थी। फिर दोनों का जो सुख है वो एक प्रकार से समाप्त हो गया था क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद जो उसकी हंसी थी सिरले की जो स्माइल थी अपनी माँ के साथ ही चली गई थी और फिर ऐसी हंसी सिरले नहीं हंसी थी ओके जो पहले अपनी माँ को देखकर स्माइल करते हुए वह हंसती थी और उसकी माँ का भी सुख एक प्रकार से चला गया था क्योंकि उसने भी अब वैसी हंसी नहीं हंसी थी जो 12 वर्ष की थी जब वह अपनी कजन सिस्टर के साथ थी उस टाइम पर जब उसकी स्माइल वैसी स्माइल अब नहीं रही थी ओके स्टूडेंट तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट ये पोएम कंप्लीट हो जाती है और ये पोएम बहुत ही इमोशनल और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी पोएम है स्टूडेंट ओके तो आप इस पोएम को अच्छे से लर्न कीजिए अच्छे से इसको पढ़िए ओके इसके वर्ड मीनिंग्स देखिए और कुछ भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ओके तो लेट्स गेट स्टार्ट ये जो लास्ट स्टेंजा है उसको कंप्लीट करते हैं। नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव और अब उसकी माँ अब वह मर चुकी थी लगभग कई साल हो गए थे मैनी ईयर्स हो गए थे ओके एज दैट गर्ल यहाँ पर ये जो एज दैट गर्ल लिव लिखा हुआ स्टूडेंट इसका मतलब कि जीवित थी ठीक है कब जब ये जो गर्ल यूज हुआ है ये हुआ है सिरले की माँ के लिए ओके जब
उसने कहा कि नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कि दैट गर्ल लिव्ड की बात यहाँ पर हो रही है जब उसकी माँ फोटो में थी, जीवित थी। ओके okay? उस टाइम पर उसकी माँ कितने वर्ष की थी? 12 साल की थी। और उसने कहा कि नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, कि लगभग, मतलब कि अब उसकी माँ मर चुकी थी और लगभग कितने साल हो गए थे, जो फोटो में जो लड़की दिखाई दे रही थी, ठीक है, जब वह लड़की उस उम्र की थी, 12 वर्ष की थी, तो उस जो 12 वर्ष हुए थे उस टाइम पर जब वह 12 वर्ष की थी, तो उसकी माँ को भी मरे हुए कितने वर्ष हो गए थे? 12 वर्ष हो गए थे। मतलब कि जो लड़की की, जो फोटो में जो लड़की है उसकी उम्र जो 12 वर्ष है, ठीक है, और उसकी माँ को भी मरे हुए कितने वर्ष हो गए थे। वो ये वो बात कहती है कि जो इस फोटो में इस लड़की की जो उम्र थी, ठीक है, 12 वर्ष की थी, इतने ही वर्ष मेरी माँ को मरे हुए हो गए थे। कि उसने अपनी माँ के बारे में बताया कि अब उसकी माँ की फ़ोटो देखते हुए इसने ये बात कही, सिरले ने कि ये बात कही, अपनी माँ की फ़ोटो देखते हुए उसने ये बात कही थी कि जितने वर्ष इस फोटो में मेरी माँ को हुए हैं, कि इस फोटो में जितनी उम्र इनकी है, उस टाइम पर ये जीवित थी, 12 वर्ष की थी, इतने ही मेरी माँ को अब मरे हुए इतने साल हो गए। फिर देर इज नथिंग टू से, हाँ, एंड ऑफ दिस सर्कमसेंटेंसेस। सर्कमसेंटेंसेस मीन्स होती है परिस्थितियाँ या स्थिति, स्थिति, सिचुएशन। ओके, एंड ऑफ दिस सर्कमसेंटेंसेस देर इज नथिंग टू से एट ऑल। और अब उन्होंने ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में रहना सीख लिया था अपने आप को, उन्होंने एक समझौता कर लिया था अपने आप के साथ, और अब उसके पास कहने के लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ओके, वह बिल्कुल कुछ नहीं कहती, कुछ भी नहीं है कहने के लिए, और उन्होंने अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से, अपने जीवन से दोनों ने ही समझौता कर लिया था। फिर अब एक ही शब्द था और वो था इट्स साइलेंस एंड साइलेंसेस, मतलब कि एक बिल्कुल शांत या चुप रहना। ओके, अब वह चुप रहती थी, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि साइलेंस रहती थी अब उनकी जो ज़िंदगी में, उसकी जो ज़िंदगी में जो बिल्कुल भी न कहना, और उसकी ज़िंदगी में जो एक शब्द था देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब उसकी ज़िंदगी में मतलब कि कुछ कहने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं था। ओके, इट्स साइलेंस एंड साइलेंसेस, बस एक ही चीज़ थी, वो थी साइलेंस एंड साइलेंसेस, मतलब कि चुप रहना, शांत रहना। ओके, तो ये पोएम यहीं पर कंप्लीट होती है स्टूडेंट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पोएम ज़रूर समझ में आई होगी। ओके, जो भी इसके वर्ड मीनिंग्स है स्टूडेंट, नथिंग मीन्स बिल्कुल नहीं, साइलेंस मीन्स चुप रहना, सर्कमसेंटेंस मीन्स स्थिति या सिचुएशन, नियरली लगभग, एज मैनी ईयर्स काफ़ी साल हो गए थे जितने कि इस लड़की को इस फोटो में हुए थे। ओके, उसकी माँ की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये पोएम कंप्लीट होती है स्टूडेंट, और इस पोएम को आप रीड कीजिए। ओके, इसके वर्ड मीनिंग्स को समझिए और इस पोएम को समझिए, एक नहीं दो बार नहीं तीन बार इस पोएम को देखिए, आप इस वीडियो को देखिए। ओके, और इस पोएम को समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, ये बहुत अच्छी पोएम है। ओके, और इसी के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है। टेक केयर, बाय फॉर नाउ। ओके।